अस्सलाम वालेकुम, आई एम मैम समीना फ्रॉम द मेरिटोरियस लाइसियम। स्टूडेंट्स ऑल्सो यू आर फाइन एंड इंजॉइंग योर गुड हेल्थ एज वेल। बेटे ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 70। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 11। नेम टाइटल इज लिटल रेड राइडिंग हुड एंड हेयर आर सम की वर्ड्स। लुक एट की वर्ड्स आ हुड, आ वुल्फ, आ वुड कटर। बेटे जैसे कि स्टोरी का टाइटल है लिटल रेड राइडिंग हुड, हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जानते हैं कि ये टाइटल जो है वो किस बेस पे जो है वो स्टोरी का जो है वो रखा गया है। लिटल मींस छोटा, छोटी या छोटा, रेड राइडिंग हुड के मतलब एक बच्ची है जो मतलब ऑल टाइम जो है वो एक रेड हुड जो है वो वेयर करके जो है वो रखती है। डैट्स वाई जो है वो इस स्टोरी को नाम दिया गया है लिटल रेड राइडिंग हुड। And this one is a hood, a red hood. And this one is, as you all know, a wolf and a woodcutter. First of all, बेटे हम reading को done करेंगे अपनी। Reading में talk about the fairy story, then read this one. बेटे fairy stories ऐसी stories होती हैं जिनको जो है वो हम खुद जो है वो create करते हैं उसमें, then जो है हमारे लिए कोई ना कोई जो है वो moral lecture जो है वो ज़रूर मतलब हमें moral lesson जो है वो हमें मिलता है। देन हमारे पास है वंस स्टार्ट योर रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम लिटल गर्ल लिव्ड विद हर मदर नियर आ डीप डार्क फॉरेस्ट। एक दफ़ा का जिक्र है एक छोटी बच्ची जो कि अपनी मदर के साथ जो है वो एक डार्क फॉरेस्ट में जो है वो रह रही होती है। हर नेम वॉज लिटल रेड राइडिंग हुड। जिस बच्ची की बात हो रही है बेसिकली उसको रेड राइडिंग हुड कहा गया है बिकॉज शी ऑलवेज वॉर आ रेड हुड, क्योंकि वो हमेशा जो है वो रेड हुड जो है वो वेयर कर रखती है। देन लिटल रेड राइडिंग हुड ग्रैंड मदर लिव्ड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। मिडल बेटे कहते हैं दरमियान को, कि लिटल रेड राइडिंग हुड जो है वो उसकी दादी अम्मा जो है वो रहती हैं जंगल के दरमियान में। शी विजिटेड हर ग्रैनी एवरी मंडे। वो हर सोमवार के दिन जो है वो अपनी दादी अम्मा के घर जो है वो विज़िट करती हैं, मींस जाती हैं एंड लव्ड हर वेरी मच। आप भी बेटे सेम चेक करें, जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो हम हैप्पी होते हैं एज वेल जो है वो ये जो है वो हमारे पास करेक्टर है लिटल रेड राइडिंग हुड, वो भी हर मंडे को जाती है और उनसे मिलकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस करती है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वन डे मॉर्निंग एक सुबह हर मदर सेड, एक उनकी अम्मी ने कहा योर ग्रैंड मदर इज़ अनवेल, कि आपकी जो दादी अम्मा हैं वो बीमार है। लेट्स बेक हर सम चॉकलेट चिप केक। आए हम बनाते हैं उनके लिए एक चॉकलेट चिप केक। सो लिटल रेड राइडिंग हुड हेल्प टू बेक सम चॉकलेट चिप्स। अब बेटे लिटल रेड राइडिंग हुड जो है वो हेल्प कर रही है, मींस मदद कर रही है अपनी दादी अपनी मदर की हेल्प कर रही है क्योंकि उनकी दादी अम्मा बीमार हैं, उनके केक मेक करने हैं। और देन हर मदर पुट देम इन बास्केट एंड सेड नाउ टेक द केक्स टू योर ग्रैनी, कि अब आप जो है वो केक जो है वो बास्केट में पुट करके दिए गए हैं। और मदर्स जो हैं वो कह रही हैं लिटल रेड राइडिंग हुड को कि आप इनको लेकर जाएं और अपनी ग्रैनी को जो है वो देकर आएं। बट डोंट स्टॉप इन द वुड, लेकिन बिल्कुल भी आपने जो है वो खड़े नहीं होना। स्टे ऑन द पाथ, आपने फोकस कर अपने रास्ते पर मूव करना है एंड यू विल मीट अ बिग बैड। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको रास्ते में बहुत जो है वो वुल्फ का सामना, बड़े वुल्फ का सामना करना पड़ सकता है। अब बेटे हमारे पास ये एज अ थिंकिंग क्वेश्चन है कि आपने सोच कर जो है वो आंसर करना है, कि जो है क्वेश्चन है हमारा डू यू थिंक लिटल रेड राइडिंग हुड विल बी सेफ। क्या आपके ख्याल में जो लिटल रेड राइडिंग हुड है वो बिल्कुल महफूज रही होगी? नो, बिकॉज बेटे वो जंगल के दरमियान में मूव कर रही है, वो जंगल में गई है और अगर वो जो है वो फुली फोकस नहीं होगी तो क्या होगा? आई थिंक सो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नो, She is not safe in the forest because wild animals are there. आपको पता है कि बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो जंगल में मौजूद होते हैं और वो डेंजर भी कर सकते हैं। और इस पेज से हमें बेटे ये लेसन मिलता है कि हमें अपने एक तो बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, जब भी आप उनसे मिलें तो बहुत खुशी से मिलें, अपनी खुशी का उनसे इजहार करें और बड़ों की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो मस्ट फॉलो करें। देन मूव स्टूडेंट बेटे पेज नंबर 71।
नेक्स्ट बेटे, लिटल रेड राइडिंग हुड वेंट आउटसाइड विद हर बास्केट ऑफ केक. अब बेटे उनको केक पैक करके दिए हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं. लिटल रेड राइडिंग हुड के हैंड में एक बास्केट है, उनको कवर किया गया है. मीन्स इसके अंदर क्या है? केक. तो वो केक को लेकर जो है वो मूव कर रही है. शी वॉक लॉन्ग द पाथ टू हर ग्रैंड मदर हाउस. अब वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस की तरफ जो है वो मूव कर रही है. द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वॉर सिंगिंग. सूरज जो है वो शाइन पर कर रहा है, मींस चमक रहा है. और परिंदे क्या कह रहे हैं? सॉन्ग सिंग कर रहे हैं. मींस उनकी जो वॉइस है उसको जो है वो, मतलब कहा गया है कि बर्ड्स की जो वॉइस है वो एज अ सिंगिंग है. बट डिड शी स्टे ऑन द पाथ. लेकिन जो है वो एक जगह पर जो है वो उसको ख्याल आता है कि मैंने यहाँ पे खड़े, वो वहाँ पे जो है वो खड़ी होती है. नो शी डिडंट, शी वेंट इन टू द ट्रीज. के वो जो है वो दरख्तों में है. शी वॉन्टेड टू पिक सम फ्लावर्स फॉर हर ग्रैंड मदर. तो उसको उसके ख्याल में आता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, वो तो तमाम अपने दरख्तों में हैं. तो वो चाहती है कि वहाँ से कुछ फ्लावर ले अपनी ग्रैंड मदर के लिए. एज सून एज शी वॉज इन द ट्रीज शी सा द बिग बैड वुल्फ. कि इससे पहले कि मैं मेरा सामना किसी एक बड़े वुल्फ से हो. ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ अ होल इन द ग्राउंड. जो कि एक वुल्फ जो है वो इस सारे जो है वो चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है. जैसे कि ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, वुल्फ जो है वो एक होल में प्रेजेंट है और वो वॉच कर रहा है ग्राउंड के नीचे से. जो है वो गर्ल को वॉच कर रहा है. वेयर आर यू गोइंग लिटल रेड राइडिंग हॉर्स. वो पूछता है लिटल राइडिंग से कि आप कहाँ जा रहे हो. ग्राउल्ड इन द बिग बैड वुल्फ विद एन अनफ्रेंडली स्माइल. बेटे वाइल्ड एनिमल्स हैं तो ये हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ये हमेशा जो है वो डेंजर जो है वो करते हैं इंसान को. तो वो बहुत ही जो है वो एक शाउटेड आवाज़ में जो है वो बात कर रहा है और पूछ रहा है. जो है वो बिल्कुल उनकी स्माइल जो है वो फ्रेंडली नहीं है. आई एम गोइंग टू सी, देन जो है वो आंसर दे रही है लिटल राइडिंग हुड. आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर. कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को जो है वो देखने जा रही हूँ. सेट लिटल राइडिंग हुड शी लिव्स इन अ हाउस इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. जो कि जंगल के बिल्कुल दरमियान में रहती हैं. आई एम गोइंग देयर टू, सेट द वुल्फ. अब वुल्फ ने भी कहा है कि मैं भी सेम वहीं जा रहा हूँ. लेट्स हैव अ रेस, यू गो ऑन द पाथ एंड आई विल गो अनदर वे. कि चलें हम एक रेस स्टार्ट करते हैं, आप किसी और रास्ते के तरफ मूव करें और मैं जो है वो अनदर रास्ते में जो है वो वहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं कौन पहले जाते हैं. आर राइट, रिप्लाइड लिटल रेड राइडिंग हुड. जो है राइडिंग हुड जो है वो कह रही है कि चलें ठीक है. आई कैन वॉक फास्ट द होल डे. शी थॉट आई विल विन द रेस एंड देन आई विल सेव विद ग्रैनी. और लिटल रेड राइडिंग हुड ये सोच के उसको जवाब देती है कि मैं ज़्यादा तेज़ जो है वो मूव करूँगी. और मैं वो ये सोच के करती है कि मैं इससे विन कर जाऊँगी और मैं जो है इस तरह से जो है वो महफूज तरीके से जो है वो अपनी दादी अम्मा के घर भी जो है वो पहुँच जाऊँगी. सो डिड लिटल राइडिंग हुड विन द रेस. इस तरह से जो है वो लिटल रेड राइडिंग हुड जो है वो रेस जो है वो विन कर जाती है. कह रही होती है कि मैं इस तरह से विन कर जाऊंगी. नो शी डिडंट, द वुल्फ अराइव बिफोर हर एंड वन द रेस. कहते हैं कि नहीं, अब ये आप सोच रहे होगे कि मैं रेस विन कर जाऊंगा, वुल्फ जो है वो आपसे पहले जो है वो वहाँ पर पहुँचा होगा. क्विक एज फ्लैश, फ्लैश बटे लाइट को कहते हैं. जिस तरह से एक लाइट जो है बिल्कुल एक सेकंड में जो है वो ऑन होती है, एक सेकंड में जो है वो मतलब ऑफ होती है, बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहा है कि मैं आपको पता भी नहीं चलेगा मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा. ही जंप थ्रू अ ग्रैंड मदर विंडो. वो जंप कर लेते हैं ग्रैंड मदर की विंडो से. ग्रैनी वॉज स्केयर्ड एंड शी रन आउट ऑफ द कॉटेज. और जो ग्रैंड मदर हैं वो घबरा जाती हैं, मीन्स डर जाती हैं और अपने कॉटेज, ये पिक्चर्स में आपको नज़र आ गए, कॉटेज से जो है वो डर कर बाहर आ जाती हैं. द वुल्फ पुट आ ग्रैंड मा नाइटी हार कैप. अब बेटे जो वुल्फ है वो ग्रैंड मा की नाइटी को वेयर करते हैं, कैप को वेयर करता है एंड हर ग्लासेस और ग्लासेस को वेयर करते हैं. गो इन टू हर बेड और बेड पर चला जाता है. आफ्टर डैट ही वेटेड फॉर लिटल रेड राइडिंग. बेटे क्योंकि उनके दरमियान में रेस थी और उसको लग रहा था कि मतलब जो है मैं, क्योंकि लिटिल राइडिंग हुड जो है वो ये सोच रही थी कि मैं उससे पहले पहुंचूंगी. लेकिन अभी जो है वो हमने जहां तक रीड आउट किया है, हमने यही ऑब्जर्व किया है कि वुल्फ जो है वो पहले चला गया है ग्रैनी के हाउस में और उसने ग्रैनी के जो है वो नाइटी को जो है वो वेयर किया है, देन ग्लासेस पुट किए हैं और बेड पर जो है वो पहुँच गया है. देन अब अगेन जो है वो थिंकिंग क्वेश्चन है कि हमने इसका आंसर जो है वो सोच कर जो है वो टेल करना है. What do you think the wolf will do? आपके ख्याल में बेटे जहाँ तक हमने रीड आउट किया है, वुल्फ ने क्या किया होगा?
आई थिंक सो आई थिंक द वुल्फ विल ईट हर अप कि मतलब बिकॉज वुल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल एंड द मूव द नेक्स्ट पेज आवर नेक्स्ट पेज आ शॉर्ट वाइल्ड लेटर कुछ ही देर बाद या थोड़ी देर बाद लिटल रेड राइडिंग हुड सा हर ग्रैंड मदर हाउस ग्रैनी के हाउस में लिटल रेड राइडिंग हुड जाती है उनको देखने. शी लुक्ड अराउंड बट शी डिड नॉट सी द बिग बैड वुल्फ. वो देखती है इधर उधर के यहाँ पर जो है वो इर्द गिर्द में चेक करती है कि यहाँ पे बैड वुल्फ जो है वो मौजूद नहीं है. गुड शी थॉट वो सोचती अच्छा हुआ वो सोच के खुश हो रही है. सो आई वॉन्ट द रेस कि मैं तो जीत गई. हेलो ग्रैनी शी शाउटेड. वो रूम के अंदर जाती है बहुत खुशी के साथ कहती है हेलो ग्रैनी मतलब खुशी के इजहार में जो है वो बोलती है कम इन माई डियर कॉल द बिग बैड वुल्फ फ्रॉम द बेड. एंड वुल्फ जो है वो जो ऑलरेडी बेड पर मौजूद होता है वो उसको कहते हैं कम इन माई डियर. लिटल रेड राइडिंग हुड वेंट इन शी वाज सरप्राइज. सब मतलब उसको देखती है वो बहुत सरप्राइज होती है. हर ग्रैंड मदर लुक्ड रैदर अनयूजुअल टुडे कि बिल्कुल ही गैर ममूल जो है वो मतलब नज़र आ रही होती हैं. व्हाट डिड ईयर्स यू हैव गॉट ग्रैंड मदर शी सैड ऑल द बेटर टू हेयर यू विद माई डियर विस्पर द वुल्फ. के जो है वो लिटल रेड राइडिंग हुड कह रही है अपनी ग्रैंड मदर से कि आप मामूल के अकॉर्डिंग नहीं नज़र आ रही हैं आपके जो है वो इतने बड़े जो है वो ईयर्स कैसे हैं. तो वो उसको कहते हैं कि आई एम नॉट ऑल बेटर हेयर यू विद माई डियर विस्पर द वॉइस. वो कहता है कि इसमें ये हेयर के लिए हैं कि इसको अच्छे से सुन सकूँ. वट बिग आइज़ यू हैव गोल्ड ग्रैंड मदर शी सेट कि आप इतनी मोटी आइज़ जो हैं वो किस तरह से हैं. ऑल द बेटर टू सी यू विद माई डियर्स कि ये इसलिए हैं कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से देख सकूँ. एंड वाट आर द ब्राउन नोज़ यू हैव गोल्ड कि आपकी ये नोज़ जो है वो ब्राउन है ग्रैंड मदर शी सेट. ऑल द बेटर टू स्मेल द केक माई डियर स्निफ द वुल्फ. अब जो है स्मेल करते हुए वुल्फ कह रहा है कि ये इसलिए है कि मैं केक्स को जो है वो अच्छे तरीके से स्मेल कर सकूँ. एंड वॉट शार्प टीथ यू हैव गोट ग्रैंड मदर कि आपके इतने बड़े टीथ जो है वो क्यों हैं. ऑल द बेटर ईट यू विद ग्राइंड द वुल्फ. वो कहता है कि इसलिए कि मैं आपको जो है वो चबा कर जो है वो खा सकूं. क्विक एज फ्लैश शी जंप आउट द बेड. वो जल्दी से जो है वो बेड से उठता है वुल्फ जो है. बट लिटल रेड राइडिंग हुड वाज क्विकर. वो ज़्यादा जो है वो क्विक मतलब मूव कर जाती है. शी जंप आउट ऑफ द विंडो और वो विंडो से जो है वो मूव कर जाती है लिटल रेड राइडिंग हुड. जस्ट एट द मोमेंट द वुड कटर सून पास बाय ग्रैंड मदर हाउस. एक जो है वो वुड कटर जो है वो पास कर रहा होता है ग्रैंड मदर के हाउस में ही ओपन विंडो. वो देखता है कि विंडो ओपन है. डैट अनयूजुअल ये तो बिल्कुल गैर ममूल है मामूली बात है कि यहाँ पर यूजुअल नहीं है ये थिंग ना. ही थॉट वो सोचता है आई होप दे आर नथिंग रॉन्ग हेयर देयर हेयर कि मेरे ख्याल में मतलब वहाँ पे कुछ जो है वो गलत है. ही वेंट इनसाइड एंड सॉ द वुल्फ. अंदर जाते हैं और देखते हैं वुल्फ को. क्विक एज फ्लैश द वुड कटर सन टू ही स्टिक. जैसे ही मतलब वुड कटर स्टिक लाते हैं हिट द बैक वुल्फ को जो है वो हिट करने लगता है. वो जल्दी से जो है वो बाहर जो है वो वुल्फ जो है वो रन कर जाता है ड्यू टू विंडो. विंडो के जरिए जाता है. द वुल्फ वाज स्केयर्ड एंड रन अवे. वुल्फ जो है वो डर जाता है और भाग जाता है. लिटल रेड राइडिंग हुड लुक फॉर ग्रैंड मदर एंड फाउंड आर अनहर्ड इन द गार्डन. दे बोथ थैंक टू द वुड कटर. दोनों जो है वो शुक्रिया अदा करती हैं वुड कटर का. एंड देन दे एट ऑल द केक्स फॉर टी एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उसके बाद जो है वो हमेशा हैप्पी रहना शुरू कर देती हैं. बेटे जो अभी हमने प्रीवियस टू पेजेस की रीडिंग डन की इससे हमें बेटे ये जो है वो मोरल मिलता है कि एक पर्सन है बेटे वो अननाउन की हेल्प के लिए मतलब जाते हैं. जैसे भी मतलब अगर हम हों तो हमें जहाँ पे लगे कि हम किसी की हेल्प जो है वो इजीली किसी की हेल्प कर सकते हैं उसको सेव कर सकते हैं हमें उनकी हेल्प जो है वो मस्ट करनी चाहिए हर सूरत हर हाल में करनी चाहिए. इससे जो है वो इन स्पेस से हमें ये लेसन मिलता है. ओके यू अंडरस्टैंड होप सो. एंड नाउ मूव टू आवर कम्प्रीहेंशन. सर्कल द करेक्ट वर्ब राइट ट्रू सेंटेंसेस इन योर नोट बुक. बेटे आपको तमाम रीडिंग जो है वो विद ट्रांसलेशन जो है वो विद अंडरस्टैंडिंग करवाई गई है. होप सो स्टूडेंट्स बेटे आपको जो है वो कंप्लीट ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी और आप इसको जो है भी इजीली आंसर जो है वो कर सकते होंगे. अब देखिए बेटे आपने अकॉर्डिंग टू स्टोरी आंसर करने कि वो जो कर रही थी और जो नहीं कर रही थी उसके अकॉर्डिंग. लिटल रेड राइडिंग हुड लिव डिड नॉट लिव विद हर ग्रैंड मदर. क्या लिटल रेड राइडिंग हुड जो थी वो लिव थी ग्रैंड. नो शी लिव विद हर ग्रैंड विद शी लिव विद हर मदर नॉट ग्रैंड मदर. एंड शी लिव आर डिड नॉट विद हर मदर लिव्ड. बेटे वो अपनी मदर के साथ ही जो है वो
रह रही थी। वन डे शी टुक डिड नॉट टेक सम केक टू हर ग्रैंड मदर, क्या एक दिन वो केक जो है वो लेके जाती, येस लेके गई। शी स्टेड डिड नॉट स्टेट ऑन द फ्रेस्ट, क्या वो रुकी थी, नो डिडंट डिड नॉट स्टे। सो शी मेट डिड नॉट मेट विद द बैग वुड मेट, उसको रास्ते में उसको सामना हुआ था और उन्होंने मतलब कहा था कि हम रेस स्टार्ट करते हैं। ही आस्क डिड नॉट आस्क हर टू रेस ग्रैंड मदर हाउस, क्या उन्होंने कहा था कि हम आस जो है वो मतलब जो है वो रेस जो है वो स्टार्ट करते हैं ग्रैंड मदर के हाउस के लिए। येस आस्क, आपने बेटे इनको सर्कल करना है, देन आपने इनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है। राइट करेक्ट ट्रांसलेट इन योर नोटबुक, बेटे ये जो आपके पास सेंटेंसेज अवेलेबल हैं इनको आपने करेक्ट जो है वो सेंटेंस के साथ मैच करना है। क्विक एज फ्लैश द वो जंप थ्रो द विंडो, के हमने रीडिंग जो है वो पढ़ी है, हमें पता है कि क्विक एज फ्लैश के जल्दी से जो है वो कहाँ से गया, जंप कर गया विंडो के जरिए। आ शोर वायलेट, थोड़ी ही देर बाद लिटल रेड राइडिंग हुक जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। व्हाट बिग टीथ जो है बोल के, आपके इतने बड़े टीथ हैं, सेट लिटल राइडिंग हुक, किसने कहा था, लिटल राइडिंग हुड ने। All the better to eat you with, said the wolf. And just at the moment the woodcutter's son arrived, कि थोड़ी ही देर में जो है वो woodcutter वहाँ पर जो है वो arrived होता है। Then बेटे आपका पेज नंबर 74 word reading and spelling, read the words, find and underline them in the reading text. बेटे आपने जो वर्ड्स हैं आपके जो है वो रीडिंग आपने रीड आउट की है, वहाँ से जो है वो आपने वर्ड्स जो है वो ये डिफरेंट होमोफोन्स वर्ड्स जो है वो सर्च करने हैं। व्हाट इज़ द होमोफोन्स, बेटे ऐसे वर्ड्स जिनको हम स्पीक तो करें तो उनके प्रोनाउंस करने में जो है वो सेम हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम हो, लेकिन जब उनको राइट करें तो स्पेल जो है वो डिफरेंट हो और अलॉन्ग विद मीनिंग भी दोनों का जो है वो डिफरेंट हो। इसके कंपैरिजन, इसी एग्जांपल में बेटे आपको जो यहाँ पर जो है वो थ्री जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। आप देखें सन, सन कहते हैं सूरज को, एंड देन अगर हम स्पीक करें अनदर वर्ड को तो वो भी सन, सन कहते हैं बेटे को। तो बेटे वर्ड्स जो हैं वो चेंज हैं, मतलब मीनिंग चेंज हैं और स्पेल चेंज है, लेकिन अगर हम उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें वर्ड जो है वो सेम जा रहा है, ठीक है। इससे हमें कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जो है वो इन वर्ड्स को जो है वो होमोफोन वर्ड्स को जो है वो पुट करते हैं। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सन, अब शाइनिंग, शाइनिंग जो है वो सन SUN सन बेटा तो नहीं शाइन करेगा, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, SUN सन, द सन वाज शाइनिंग, अब्दुल इज ज़ाहिर सन्स, एंड देन वन वन एंड ओनली वन पर्सन कैन विन, सीमाज फ्रेंड्स वन द रेस, होल ही सा अ होल इन द ग्राउंड, शी ईट द होल रोटी। अब उसने क्या किया है, होल कहते हैं तमाम, पूरी की पूरी, और होल ये वाला होल जो है बेटे इसको कहते हैं सुराख को, वन कहते हैं एक को, वन कहते हैं जीत जाने को। तो बेटे होमोफोन्स, अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट हैं, स्पेल डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी जो है वो सेम वॉइस होती है, जैसे कि सन सन, एंड द वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिहाइंड स्पेल एंड द SUN सन, स्पेल इज चेंज एंड द मीनिंग इज चेंज। दैट्स क्वेश्चन नंबर टू। राइट करेक्ट सेंटेंस इन योर नोट बुक, आपने बेटे सेंटेंसेस को राइट करना है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, बेटे होमोफोन्स आपको क्लियर करवाएंगे, आपने होमोफोन्स को यूज़ करना है कि कहाँ पर जो है वो आप कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। ही पुट अ कैप ऑन हिज सन्स सन्स, अब उसने कैप जो है वो किसके पुट की, सन्स के, हेड ऑन द कीप ऑफ द सन, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। वन ऑफ द वंस ऑफ सीमा फ्रेंड, वन ऑफ सीमा फ्रेंड्स, बेटे आप WON पर जो है वो क्रॉस करेंगे एंड ONE पर आप सर्कल करेंगे फ्रेंड, एंड वन वन आ मेडल ऑफ कमिंग फर्स्ट, आ होल फैमिली, तमाम की तमाम फैमिली जो है वो रैबिट स्लिप्ड इन द, कहाँ रह रही है, होल यानी कि सुराख, सुराख में रह रही है। अंडरलाइन द वर्ड्स वेयर ओ साउंड लाइक यू, आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है बेटे जिनको अगर हम राइट करें तो ओ जो है वो अगर मिडल में आए तो उसकी साउंड जो है वो यू की तरह हो, जैसे कि वन अगर हम करते हैं तो कहते हैं वन, मतलब यू की साउंड है, सन मंडे एंड मदर, ओके आप इन वर्ड्स को बेटे अंडरलाइन करेंगे। देन बेटे मूव करते हैं पेज नंबर 75 पर।
यहाँ पर है आर लेटर ऑफ ग्रुप, लेटर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स बेटे, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स जो के वर्ड्स के स्टार्ट्स में आए उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ऐसे वर्ड्स जो के हम कोई वर्ड राइट कर रहे हैं, जैसे कि अन, लुक एट दिस, अन अनफ्रेंडली, अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनकाइंड, ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो प्रीफिक्स हैं, क्योंकि अन जो है वो वर्ड के स्टार्ट पर है। डैट्स वाई द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स। एग्जाम्पल अनहैप्पी, द प्रीफिक्स अन ऑफन मेक्स अ वर्ड मीन द अपोजिट। जब भी हम वर्ड को साथ अन करते हैं, जैसे कि वेल अच्छा, अनवेल नॉट, नॉट मतलब हम कहते हैं वेल फ्रेंडली, दोस्तान दोस्ता खुश, दोस्त है फ्रेंडली, अनफ्रेंडली करेंगे तो वो दोस्त नहीं है। अनहैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी ना खुश। ओके देन बेटे, कंप्लीट द कॉपी सेंटेंसेस इन द ओ यू एंड ओ डब्ल्यू। आपने बेटे यूज़ करना है ओ यू का और ओ डब्ल्यू का अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यहाँ पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है, इस पिक्चर्स को देखते हुए आपने फीलिंग को कंप्लीट करना है। आपने यूज़ करना है ओ यू का और ओ डब्ल्यू का। लुक एट ए, देयर वाज अ फॉरेस्ट अराउंड ग्रैंड मदर हाउस, यहाँ पर हम राइट करेंगे ओ यू। लिटल रेड राइडिंग हुड सा सम नियर द पाथ। बेटे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आप मुझे देख बताएं, एफ एल ओ यू ई आर, क्या आपने ऐसे स्पेल कभी रीड आउट किया? नो। हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं? फ्लावर्स। हम ओ डब्ल्यू यहाँ पर राइट करेंगे। शी हैड अ वुल्फ ग्राउल एंड इट हैड अ डैश नोज, कैसी नोज थी? ब्राउन। ओ डब्ल्यू हम राइट करेंगे। शी लिव्ड इन अ होल इन द ग्राउंड, ओ यू राइट करेंगे। द स्टोरी इज डैश अ गर्ल, अबाउट अ गर्ल एंड हर ग्रैनी एंड अ वुल्फ। ओके बेटे आपने मुझे बताना है, बेसिकली हमने जो स्टोरी रीड आउट की थी उसमें करेक्टर जो थे वो उसको रिकॉल करें मेरे साथ, कि कौन कौन से करेक्टर जो थे वो हमने मतलब लर्न किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वुल्फ, देन लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड ग्रैनी, मदर एंड द वुड कटर। ओके कॉपी द सेंटेंसेस ऑन। बेटे आपके पास, आपको मैंने यहाँ पे गाइड किया कि प्रीफिक्स ऐसा ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि वर्ड के स्टार्ट पे आते हैं, जैसे कि ऑन है। अब हमने ये हमें वर्ड्स लाइंस यानी कि सेंटेंसेस की सूरत में प्रोवाइड किए हैं। आपने बेटे इनके जो जो हमें नज़र आ रहे हैं इनको मतलब ऑपोजिट मीन में कन्वर्ट कर देने हैं। लाइक जैसे कि सैली वॉज अ फ्रेंडली गर्ल, यहाँ पर आप करेंगे अनफ्रेंडली गर्ल। ऑन मंडे शी फेल्ट हैप्पी, नॉट अनहैप्पी, आप यहाँ पर राइट करेंगे ऑन मंडे शी फेल्ट अनहैप्पी। शी वॉज फीलिंग वेल टूडे टू, शी वॉज फीलिंग अनवेल टू। दिस वॉज यूजल फॉर हर, नो दिस, यहाँ पर हम करेंगे यूजल को चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें जिनके साथ आपने अन जो है वो राइट करना है, यानी कि वर्ड्स को प्रीफिक्स को जो है वो हमने ऐड करना है, वो ये वर्ड्स हैं। लाइक जैसे कि फ्रेंडली, हैप्पी, वेल, यूजल, अनफ्रेंडली, अनहैप्पी, अनवेल, अनयूजल। और बेटे आप देखें बाकी तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो हम एज इट इज़ ही राइट कर देंगे। लाइक जैसे सैली वॉज अ अनफ्रेंडली गर्ल, ऑन मंडे शी फेल्ट अनहैप्पी, शी वॉज फीलिंग अनवेल टू, दिस वॉज अनयूजुअल फॉर हर। होप सो बेटे यू अंडरस्टैंड, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके बेटे प्रीवियस पेज पे नंबर 75 पर अभी जो है वो आप मेरे साथ जो इन वर्ड्स को जो है रिपीट आउट करेंगे, इनकी वॉइस को जो है वन ओ बेसिकली सेम वॉइस एंड देन एन एंड ट्रिकी वर्ड्स। यहाँ पर इन वर्ड्स को हम मेरे साथ जो है वो पढ़ेंगे, आउटसाइड, अबाउट, अराउंड, ग्राउंड, हाउस, नाउ, हाउ, फ्लावर, ब्राउन, ग्राउंड, अनवेल, अनफ्रेंडली, अनहैप्पी, अनयूजुअल, होल, बास्केट, थॉट, रेदर, सरप्राइज्ड। ओके बेटे लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 76। हेयर आर अ ग्रामर एंड पंक्चुएशंस। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। बेटे फ्रेज इसके वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं। इन अ नाउन फ्रेज एक्स्ट्रा वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स, कि एक ऐसा वर्ड जो कि आपको नाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल केक इज़ अ नाउन, चॉकलेट चिप केक इज़ अ नाउन फ्रेज। हम बेसिकली इधर जो डिस्कस करेंगे वो नाउन फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कि नाउन फ्रेज जो है वो बेसिकली हमें बताता है मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे कि अगर केक, केक के साथ अगर हम लिखें चॉकलेट चिप केक, तो देन जो है ये नाउन फ्रेज है। बेटे इनमें आपने अंडरलाइन करना है नाउन फ्रेज को जो कि आपके सेंटेंसेस है, जैसे कि आप बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड आई एम गोइंग टू सी माय ग्रैनी, हेयर आर द लिटिल रेड राइडिंग हुड इज अ नाउन फ्रेज एंड आई विल टेक हर सम चॉकलेट चिप केक, चॉकलेट चिप केक अ नाउन फ्रेज। देन यू अंडरलाइन दिस
एंड शी वॉज नॉट अफ्रेड द डीप डार्क फॉरेस्ट. डीप डार्क को आप अंडरलाइन करेंगे द बिग बैड वुल्फ सेट लेट्स हैव अ रेस. यहाँ पर आप जो है वो अंडरलाइन करेंगे बिग बैड वुल्फ को, जस्ट बिग बैड वुल्फ. ओके यू अंडरस्टैंड नाउ. क्वेश्चन टू इज बेस अपॉन अ अपोस्ट्रॉफी समटाइम्स शो मिसिंग लेटर. बेटे जो मिसिंग लेटर्स को हमने शो करवाना हो देन हम जो है वो अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. बेसिक वन हेयर आर आर यूज ऑफ देन यू मूव आर नेक्स्ट पेज नंबर 77. बेटे 77 पे जो स्टेटमेंट है हमारे पास अंडरलाइन द पास्ट टेंसेज इन लेटर रेड राइडिंग हुड मदर्स डायरी. हमने मदर्स डायरी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कंप्लीट करना है. आपने पास्ट टेंसेस के बारे में लिटिल बिट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि यहाँ पर हम वाज का यूज़ करते हैं. हमेशा यहाँ पर वाज यूज़ होती है. फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम जो है वो ईडी का इजाफा करते हैं. अब यहाँ पर आपने वाज जो है वो पैराग्राफ में देखना है या ऐसा वर्ड जिसके साथ ईडी हो तो देन जो है वो इन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करते जाना है. व्हाट अ मॉर्निंग डे दिस मॉर्निंग माई मदर वाज अनवेल सो लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड बेक सम केक. के मॉर्निंग में जो है वो मदर जो है वो मार है सो रेड राइडिंग हुड ने जो है वो केक बेक किए हैं. पुट इन अ बास्केट एंड गेव टू हर. बास्केट में पुट करने के बाद जो है वो देने गई हैं. शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट. वेंट को अंडरलाइन करेंगे विद द केक्स. आई फेल्ट रेदर वरीड कि वो परेशान है अबाउट हर. वरीड की अंडरलाइन करें. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी अराइव्ड होम. काफ़ी देर बाद जो है घर वापस आती हैं. हाउ वाज ग्रैंड मदर कि वो जो है मदर पूछ रही हैं कि आपकी ग्रैंड मदर जो है वो कैसी हैं. या आस्क्ड फाइन शी सेड वो कहती हैं बिल्कुल मतलब वो अब ठीक हैं. आफ्टर डिड और नॉट डिड नॉट वी यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब. हम जब डिड एंड डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं प्रेजेंट को. लाइक जैसे कि डिड शी गो ऑन द पाथ. नो शी डिडंट गो ऑन द पाथ. शी वेंट इन टू द ट्रीज. एंड हेयर आर द सम क्वेश्चन आंसर. यू यूज़ आप पास्ट टेंस आंसरिंग में आप जो है वो यूज़ करेंगे. डिड लिटिल रेड राइडिंग हुड बेक ब्रेड. नो उसने बेटे ब्रेड बेक नहीं किए थे बल्कि केक जो थे वो मेक किए थे. हम यहाँ पे राइट करेंगे नो शी डिड नॉट बेक ब्रेड. शी बेक्स केक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. हम यहाँ पे राइट करेंगे डिड एंड डिड नॉट एंड फॉर्म वर्ब की फॉर्म. डिड शी लिव इन अ फ्लैट. बेटे हम जो है वो यहाँ पर नो क्या वो फ्लैट में रह रहे थे. नो शी डिडंट लिव इन अ फ्लैट. शी लिव्ड इन अ हाउस. वो घर में जो थे वो रहते थे फ्लैट में नहीं रह रहे थे. डिड शी सा अ फॉक्स. नो शी डिड नॉट सी अ फॉक्स. शी सा अ वुल्फ. डिड द वुल्फ स्केयर हर मदर. नो द वुल्फ डिड नॉट स्केयर हर मदर. इट स्केयर हर ग्रैंड मदर. क्या वो मदर जो थी वो स्केयर हो रही थी. नो कौन हो रहा था ग्रैंड मदर. Did little Red Riding Hood find her granny? No, she did not find her granny. She found the wolf. बट ये अकॉर्डिंग टू स्टोरी है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने यहाँ पर डिड एंड डिड नॉट का यूज़ किया है. येस और नो में आपने इसको आंसर कर जो है वो आंसरिंग आपने की है. और बेसिकली जो आपने चेक किया होगा हमारे तमाम आंसर जो है वो नो में है. बट पेज नंबर 78 पर आपने लिसनिंग स्पीकिंग एंड कंपोजिशन है लिसन करना है. देन आपके पास जो है वो वर्ड्स जो हैं वो टॉप ऑफ द पेज जो है वो अवेलेबल है. इन वर्ड्स को जो है आपने ब्लैंक्स में जो है वो राइट करने हैं. ओके और आपको जो है वो रीड आउट करवाया जा रहा है. लाइक जैसे कि मंडे व्हाट अ स्ट्रेंज डे. कि एक आई फेल्ट कि बहुत अजीब दिन है. आई फेल्ट वेरी अनवेल कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मैं मतलब बुरा महसूस कर रहा हूँ दिस मॉर्निंग आज की सुबह में. सो आई वेंट टू बेड. फिर मैंने जो है वो सोचा कि मैं बिस्तर पर चला जाऊँ. देन आई हेयर्ड अ ग्राउल कि मैंने ना एक अजीब सी वॉइस को सुना. एट द विंडो विंडो किस डिया ह्यूज वुल्फ जंप ऑन एंड ऑन मी. कि एक बहुत बड़ा जो है वो वुल्फ जो है मेरी तरफ जंप करके आ रहे हैं एंड चेस्ड मी. और मुझे चेस्ट कहते हैं घूरने को. एंड आई रैन आउट के मैं भागा. एंड हिड इन द गार्डन. हिड मीन्स जो है वो छुपना होता है बेटे कि वो गार्डन में जो है वो छुप जाता है. देन आई सॉ अ लिटिल रेड राइडिंग हुड टॉकिंग टू द वुल्फ. कि मैंने मतलब देखा ये सुन के लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो वुल्फ के बारे में बात कह रही है. सडनली द वुड कटर सन के एक वुड कटर का जो है वो सन जो है वो केम वहाँ आता है इन एंड स्केयर और डराता है द वुल्फ अवे. और वुल्फ जो है वो चला जाता है. आपने अकॉर्डिंग ये जो है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे इन मिसिंग लेटर में वर्ड्स जो थे वो यहाँ पे राइट करने हैं. देन बेटे
अकॉर्डिंग टू ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड है कि आपने फाइव कैरेक्टर जो मतलब स्टोरी के ग्रुप बनाने हैं, देन इसको परफॉर्म करना है। थर्डली बेटे, आपने फुल स्टोरी जो है लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो रीड आउट की है आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के। अगर आपको कभी ऐसा जैसे कि लिटिल रेड राइडिंग हुड है फॉरेस्ट में जाती है या कोई अनदर इंसिडेंट जो आपके साथ पेश हुआ है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपने इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो यहाँ पर राइट करने हैं। लाइक जैसे कि वेयर डिड यू गो, कि आप कहाँ गए थे, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा था, व्हाट डिड यू फील, कि आपने क्या महसूस किया था, व्हाट हैपन नेक्स्ट, किसके बाद क्या हुआ था, हु डिड यू मीट, कि आपको कौन मिला था, व्हाट डिड यू ईट, कि आपने क्या मतलब जो था वो ईट किया था। बेटे आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट है हुआ है तो आप यहाँ पर जो है वो राइट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।